Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. रणवीर सिंह स्टारर और रोहित शेट्टी डायरेक्शन में बनी फिल्म सिम्बा 28 नवंबर को फ्लोर्स पर आने वाली है। इस फिल्म की चर्चाएं भी खूब लंबे समय से बनी हुई है। अब आपको बता दें, इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म के अंदर आपको अजय देवगन भी नजर आने वाले हैं, जिसकी खबर अभी तक किसी को भी नहीं थी, जब तक इस फिल्म का ट्रेलर आज यानी कि 3 दिसंबर के दिन रिलीज नहीं किया गया था। इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद पता चला इस मूवी के अंदर अजय देवगन भी आप सभी को नजर आने वाले हैं। अजय देवगन का क्या रोल होगा, ये तो अभी संशय वाली बात बनी हुई है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग है कि अजय देवगन इस फिल्म में क्या रोल निभाते हैं। उसी के साथ सबसे बड़ी बात आपको हम आज बता दूं, रणवीर सिंह इस फिल्म के अंदर अभिनय करते नजर आएंगे। तो इसीलिए जब रणवीर सिंह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि आपको इस फिल्म के अंदर काम करके कैसा लगा, तब उन्होंने बताया, मेरे को काम करके बहुत ही ज़्यादा शानदार लगा, क्योंकि मैं रोहित शेट्टी जैसी टीम के अंदर काम करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। उसी के साथ साथ अजय देवगन के साथ कोलैबोरेशन करके मेरे तो सपना पूरा हो गया, क्योंकि मैं अजय देवगन को अपने बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। अजय देवगन सर मेरे आइडल जैसे हैं, ये बहुत ही नाइस, जेंटल और बहुत ही अच्छे पर्सन है। इनका नेचर बहुत प्यारा है और ये मेरे लिए हमेशा से एक आइडल की तरह रहे, और इनकी फिल्में मेरे को बहुत हमेशा से हंसाती हुई और एंटरटेन करती हुई भी आई है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्यशाली बात है कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और मेरा आज इस तरीके से सपना पूरा भी हो गया। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से रणवीर सिंह ने रिएक्शन दिया जब उनसे पूछा गया कि आपको अजय देवगन और रोहित शेट्टी टीम के साथ काम करके कैसा लगा। उसी के साथ आपको बता दें, अजय देवगन के साथ रोहित शेट्टी ने कई फिल्में बनाई और उन फिल्मों ने बहुत ही शानदार कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर भी किया है। तो दोस्तों, आप हमें अभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रिएक्शन कैसा लगा रणवीर सिंह का अजय देवगन के ऊपर, और अगर आपने ट्रेलर देखा है सिम्बा मूवी का तो आप हमें एक भी कमेंट करके बताएं कि आपको वो ट्रेलर कैसा लगा। बाकी की ऐसी और भी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन, ताकि आपको हर खबर मिले यहाँ पे सबसे पहले।